बेमेतरा जिले के पुलिस चौकी देवघर क्षेत्र ग्रामीण इलाके में स्कूली बच्चों द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करना भारी पड़ गया। दूसरे आईडी से अश्लील वीडियो हुआ वायरल। 20 दिवस पहले देवघर चौकी में प्रार्थी पक्ष का लिया गया था और आवेदन साथ ही साइबर सेल बेमेतरा में कार्रवाई की बात कर भेजा गया। वहीं प्रार्थियों को वहां भी आवेदन लेकर दिग्भ्रमित किया गया। एक दो दिन में वीडियो अपलोड को बंद करने का हवाला देकर पीड़ित पक्षों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन बीते 25 दिन हो जाने के बाद भी अब तक सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो अपलोड कर वायरल किया जा रहा है। न तो अश्लील वीडियो हुआ बंद और न FIR दर्ज किया गया। ऐसे में पीड़ित पक्ष दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। वहीं अब न्याय की गुहार और पुलिस कप्तान के पास शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष जाने की बात कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के मामले को त्वरित संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कहने वाली पुलिस अब तक अपलोड वीडियो क्यों नहीं बंद हुआ, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। साथ ही साइबर सेल के तमाम दावे भी रेत के महल ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अश्लील वीडियो बंद नहीं हो पाया और अपराध दर्ज नहीं कर पाना देवघर पुलिस की कमजोरी को साफ झलका रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पीड़ित को कब न्याय मिल पाता है और ऐसे असामाजिक तत्वों के गिरेबान तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंच पाते हैं। फ्रेंड है जो हम लोग इंस्टाग्राम में वीडियो बनाए थे, जो कोई अज्ञात व्यक्ति हमारे आईडी से वीडियो को निकाल के फेक आईडी में वीडियो बनाया है और गलत तरीके से उसको पोस्ट करके वायरल। मैं देवघर थाना में रिपोर्ट करा गिर रही हूँ। दिन में तरह भेजी बोला सावर सियार तो आईडी बंद कराए बार 3 दिन के समय लगी बोले इसे, तो 3 दिन बाद बंद भी नहीं हुई। आज 21 दिन से ऊपर हो गए बोल रिपोर्ट कराए, FIR दर्ज अभी नहीं हुआ है अभी तक। ये खराबे का होगी पुलिस वाले मन अभी तक का कर कुछ कार्यवाही भी नहीं। एक महीने तक ऐसा नाबालिग बच्चों के साथ ऐसा गलत संदेश दिया जा रहा है, कल के डेट में घटना दुर्घटना नहीं होती, क्या कार्रवाई होगी? साइबर जब तक कि वो जानकारी आएगा तभी उसको गिरफ्तारी कार्रवाई होगा उसमें। अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं हो पाया? अब देखिए वहां से जानकारी आई है वरिष्ठ अधिकारी। क्या पुलिस आवेदन लेके विवेचनावश करती है, उसमें अपराध कायम करती है? आज 25 दिन आवेदन होने के बावजूद FIR ना होना, जांच में प्रतिवेदन पेश ना हो पाना, क्या क्या कहना चाहिए पुलिस के प्रति? उसको अधिकारी का जो उसमें क्या है, कोई अधिकारी को बताया है जो भी मार्गदर्शन मिलेगा उसमें करेंगे। समय न्यूज के लिए बेमेतरा जिला ब्यूरो संजू जैन की रिपोर्ट।